नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। यूपी के गाजियाबाद में रोड रेस, रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे की पीट पीट कर की गई हत्या। भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ छपे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, केजरीवाल की मांग। 26 से 28 अक्टूबर तक बंद रहेंगी दिल्ली की एयर क्वालिटी। मुंबई में सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीएमसी को दो जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। मुंबई सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर किए पुष्प अर्पित। हिमाचल प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई चीनी महिला। भारत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा भारतीय तुरंत छोड़ दे यूक्रेन। 480 किलोग्राम गांजे की तस्करी के आरोप में दो अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर हुई गिरफ्तार। और पंजाब के अमृतसर में ड्रोन और हेरोइन के साथ तीन युवक हुए गिरफ्तार।